झुंझुनू के खेतड़ी इलाके में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCL की खदान है, जहां बीती रात बड़ा हादसा हो गया। अचानक से खदान की लिफ्ट मशीन की चेन टूट गई। हादसे के समय लिफ्ट में कोलकाता से आई हुई विजिलेंस टीम समेत कई अधिकारी मौजूद थे, जिनको लिफ्ट से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन लगातार रात से ही चलाया जा रहा है। फिलहाल इस हादसे में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। HCL की खदान में लिफ्ट मशीन लगभग 1800 फीट नीचे गिर पड़ी थी, जिस कारण विजिलेंस टीम समेत 15 अधिकारी लिफ्ट के अंदर फंसे रह गए थे। 8 लोगों को अब तक सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, बाकी के बचे 7 लोगों का रेस्क्यू अभी भी जारी है। इसके साथ ही खदान के अंदर अभी भी 150 मजदूर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। इस बारे में पुलिस ने बताया कि बाहर निकाले गए 8 में से 3 की हालत नाजुक थी, जिसके चलते उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों की टीम पहले से ही यहां आपात स्थिति के लिए तैयार थी। लिफ्ट से बाहर निकालते ही सभी घायलों को तुरंत मेडिकल सुविधा दी गई। इस बारे में SP ने बताया कि 150 मजदूरों को भी बाहर निकाला जाएगा, लेकिन जब तक लिफ्ट में फंसे लोगों को बाहर नहीं निकाल लिया जाता, तब तक 150 मजदूरों का रेस्क्यू नामुमकिन है। बताते चले कि विजिलेंस की टीम मंगलवार शाम को खदान में उतरी थी। खदान से निकलते वक्त करीब 8:10 पर लिफ्ट की चैन टूट गई। जिस जगह लिफ्ट फंसी है, खदान में उसी जगह पीछे की तरफ 150 से ज्यादा मजदूर भी काम कर रहे थे। वो सब भी इस लिफ्ट की वजह से खदान के अंदर ही फंसे रह गए हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ओर से 1967 में यहां तांबा खनन शुरू किया गया था। अब तक यहां से 24 मिलियन टन अयस्क निकाला जा चुका है। इसमें 16 मिलियन टन खनन किया जाना अभी भी बाकी है। स्थानीय वर्कर्स ने बताया कि खदान काफी गहरी है। यहां 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लिफ्ट नीचे जाती है, और इस खदान में सिर्फ लिफ्ट से ही अंदर जाया जा सकता है। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ये लिफ्ट लोहे के रस्सों पर चलती है। आने जाने के लिए 2 अलग अलग लिफ्ट हैं। खदान में जाने से पहले हर मजदूर का मेडिकल चेकअप किया जाता है। इसके बिना खदान के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती। खेतड़ी तांबा खदान में कर्मचारियों की 2 जगह हाजिरी होती है, खदान में प्रवेश करने पर भी और बाहर निकलने पर भी, ताकि कर्मचारियों के सुरक्षित होने का पता चल सके। फिलहाल इस खदान में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।